आसमान में उड़ान भरते फाइटर विमानों को तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने इसे किसी सड़क पर दौड़ते हुए देखा है? यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमान उतर आए हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नजारा ही कुछ और था जब एक साथ कई फाइटर विमान एक्सप्रेसवे और उसके आसपास मंडराते नजर आए। दरअसल ये एक एयर शो है जिसका अभ्यास इस एक्सप्रेसवे पर हो रहा है। फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने अरवल किरी करबत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। 4 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया था। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया था। इस एयर शो को देखने के लिए आसपास के 25 से 30 गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने ग्रामीणों को 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। एयर शो के लिए सुल्तानपुर में 12 किलोमीटर रूट को डायवर्ट किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दूसरी बार फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया है। इससे पहले 2021 में फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया था। यूपीडा यानी कि यूपी एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्ट्रिप की मेंटेनेंस करके इसे शुक्रवार को एयरफोर्स को हैंडओवर किया था। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि एयरफोर्स ने सारंगपुर स्थित राजकीय ITI में अपना अस्थायी बेस बनाया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कार्यक्रम के दौरान भी एयर स्ट्रिप पर सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू जहाजों ने आसमान में करीब 1 घंटे तक करतब दिखाए थे। खुद पीएम मोदी एयरफोर्स के हरक्यूलिस जहाज से एयर स्ट्रिप पर उतरे थे। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लागत 22.494 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ था जो सितंबर 2021 में बनकर तैयार हुआ। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।